गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं द्वाराहाट। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाऊँगा आपको दिखाता हुआ चलूँगा। तो अभी जिया जी आ रहे मेरे रामनगर से, ठीक है। तो दीदी जिया जी और अमन, पिछले दफ़े जो गया था गाज़ियाबाद वाली दीदी के साथ गया था, आज जो है हल्द्वानी वाली दीदी के साथ जा रहा हूँ। तो नहा धो करके निकल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, जीजा जी लोग आ चुके हैं और ये सीधे आते ही सीधे अंदर आए। ये और ये कॉफी, इधर कॉफी ऑफी चल रही है। ये दीदी भी आ गई, ये अमन। तो सीधे मम्मी वाली रसोई में, क्योंकि हर कोई आता है ना, तो सीधे वहीं आता है, मम्मी वाली रसोई में आता है। ये पुरानी रसोई है, तो सुबह के टाइम में यहाँ पर आग आग जलती है। आपने देखा होगा मेरे पहले, मतलब पूरा जो पिछले जो ब्लॉग है, तो ये है कि आगे थे सीधे वहीं घुसते हैं। तो अब निकलते हैं द्वाराहाट को। बाकी जीजा जी बताएंगे क्या करना है, कहाँ को जा, कहाँ को निकलना है, क्या निकलना है। क्यों जीजा जी, कहाँ को निकलना जी? चकुटिया जा रहे हैं हम। जगह चकुटिया, चकुटिया, चकुटिया। आपने नाम सुना नहीं होगा, चकुटिया वो जगह है जहाँ से कर्ण बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता कटता है अलग से। ठीक, और चकुटिया जा रहे हैं, चकुटिया मिलते हैं आपसे फिर। चलो मिलते हैं रास्ते में। जो भी गतिविधियाँ होगी बने रहेगा वीडियो में अंत तक। बाय गॉड। आप दोस्तों घर में कॉफ़ी पी ली है, अब यहाँ पर ऐसा है पकौड़ी का नाश्ता हो रहा है। ये देख लोगे आप, पकौड़ी का नाश्ता। तो अब निकलते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड। तो ये पूरा कंटोनमेंट एरिया है, ये कुमाऊं रेजिमेंट की जो बटालियन है उसका मुख्यालय है यहाँ पर। और ये देखिए काफ़ी अच्छा और मनोहर दृश्य है यहाँ का। काफ़ी अच्छे हरे भरे पेड़, देवदार के जंगल, मन मोह लेते हैं यार, कसम से मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा है मॉल रोड होते हुए बाहर बाहर ही सीधे निकल जाएंगे उधर सोमनाथ ग्राउंड को, क्योंकि ऐसा है अंदर मार्केट में जाम वाम लग रहता है, भीड़ भाड़ हो रहती है। तो हम बाहर बाहर ही निकल गए हैं मॉल रोड से ही, और सीधे अपना सोमनाथ ग्राउंड होते हुए सीधे घिंगारी खाल। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं घिंगारी खाल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हम पहुंच चुके हैं गोल्फ ग्राउंड। ये अब तो इसमें चारों ओर तार बाड़ कर दिए हैं, जाली लग गई है। तो यहाँ पर जो आर्मी के अफसर से लोग जो हैं वो यहाँ पर गोल्फ खेलने के लिए आते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। और बाकी पहले तो पब्लिक के लिए खुला हुआ था, लेकिन अब इन्होंने, क्योंकि पब्लिक भैया ऐसा है टूरिस्ट आता है और गंदगी कर देता है, और यहीं पर हमारे आर्मी के जवान वहाँ साफ़ सफाई आप देखेंगे रानी के सबसे नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि आर्मी का शासन वहाँ पर है। तो आप खुद ही सोचिए, बिल्कुल गंदगी किसको पसंद है, किसी को नहीं है, लेकिन बाहर से टूरिस्ट आता है गंदगी करता है, इसलिए ये बंद कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट पे। और ये जो नज़ारा है ये है इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट। काफ़ी बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहीं से मेरे दो भतीजे पास आउट होकर के आज बेंगलोर में इंजीनियर हैं। तो मैंने कहा ज़रा सा थोड़ा सा सूट कर लेता हूँ, तो वो भी देखेंगे तो उनकी कुछ पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाएंगी। ये देखिए काफ़ी, अभी ये है कि ये, मैं तो अभी एक साइड में खड़ा हूँ, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है मत कहिए, बिल्कुल बहुत ही बड़ा। जय हो। द्वाराहाट मेन मार्केट में पहुँच चुके हैं। ये सामने दूनागिरी को रास्ता जाता है, दूनागिरी मंदिर को, और अभी हम जा रहे हैं चौखुटिया को। एक्चुअली जीजा जी का वहाँ कुछ काम है, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये बैसाखी के मेले की तैयारी चल रही है। काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर,
तो ये देख रहे होंगे झूले आप, ये देखिए रोड के दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं। आई खतः बिखोती मेरी दुर्गा हरेगे, चाने 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 मेरी कमरा पटेगे, जो गाना है ये है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चौखुटिया मार्केट पे, बस थोड़ा सा आगे जा करके थोड़ा सा कुछ काम है, फिर वहां से लौटते हैं, फिर छोटी वाली बहन के यहाँ जाना है, फिर थोड़ा सा जीजा जी का यहाँ काम है, अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं वो, मैं तो जाऊंगा नहीं अंदर, मैं बाहर ही से रहूँगा, फिर वहाँ से लौट करके आते हैं। तो फ्रेंड्स चौकिया से हमारी वापसी हो गई है सैला की, वहाँ से ट्रेन गार्ड थोड़ा सा वहाँ से ट्रैकिंग भी है, देख चलते हैं वहाँ से यहाँ को, ज़रा पैदल है रास्ता तो आगे आगे मैं हूँ, पीछे से दीदी जीजा जी लोग आ रहे हैं, अमन आ रहा है पीछे से, बस पहुँचते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है, ये देखिए नहीं काफ़ी गर्म है यार, यहाँ पर गर्म बहुत होने लग गया है। एक छोटा सा नाला पड़ता है यहीं पर, ये नाला पार कर दिया है, वो टॉप जाना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये जो रोड है पैदल रोड रहा करती थी बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, अब तो पक्का हो गया है, तो अभी तो हम जा रहे हैं बहन के यहाँ को, अभी मोटर मार्ग बन गया है, पहले ही पैदल मार्ग हुआ करता था बद्रीनाथ के लिए, तो अभी हम हैं चौखुटिया से पहले ही है उलनगाड़ में, उलनगाड़ जो है मेरी, मेरे से बड़ी वाली जो सिस्टर है वो है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार है हमारा, तो ये है भगवान की कृपा से सब सही हैं, सब मज़े में हैं, तो वैसे वो बहन भी हल्द्वानी रहती है लेकिन आजकल यहाँ आई हुई है, तो वहीं निकल रहे हैं उसी के घर को जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी है। तो मात्र 5 मिनट का रास्ता होता है यहाँ से बहन के घर पहुँचने का, ये बस पहुँचते हैं हम। दोस्तों बहन के घर की शरद में पहुँच चुके हैं, ये सामने आप मकान देख रहे होंगे, ये पहुँचने वाले हैं, ईजा बैठी हुई है बाहर से, दीदी की सास सास बैठी हुई है, हमारा इंतजार है रोजी के हैं, भैया जे फोन नहीं लग रहा होगा, प्रणाम, हाँ तू कहाँ है? दोस्तों मैं तो पहले पहुंच गया था, ये मेरा भांजा सर में बैग लेकर के, एक बैग पीठ में बैठा रख करके, जीजा जी ये मेरी बहन है, ये हो रहा है, ये हो, चलो ठीक है, दीदी कहाँ गई? वो ठीक है आराम से आवल। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं सेव लाया था मैं आलू बन गए बहन के घर, सेव थी आलू बन गई को। तो दोस्तों भगा दिया, कहते हैं आराम से बैठ रहा हूँ यहाँ पर, ब्लॉक को यहीं भी रोकता हूँ, ठीक है, बाकी ऐसा है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, रास्ते में रुकते रुकाते आए, फिर तो वीडियो कैसी लगी जरा बताना यार, ठीक है, प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दें यार, आपका भाई शेयर का मोहताज, सब्सक्राइबर का मोहताज, प्लीज यार बहुत थक गया हूँ यार, कुछ ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा है, बैठ गया हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो पे।